दोस्तों, जब भी हमें ई पास डाउनलोड करनी हो या फिर स्टेटस जाननी हो तो हम इन सब कार्यों को कैसे कर पाएंगे, तो चलिए हम आगे जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से हो, वो स्टेट लिखने के बाद ई पास आप टाइप कर दें। जैसा कि दोस्तों अभी हम झारखंड की ई पास डाउनलोड करने वाले हैं या फिर इसके स्टेटस को जानने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, झारखंड ई पास हम लिख देंगे। जैसे ही दोस्तों हम झारखंड ई पास लिख देते, हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है आप देख पा रहे होंगे, ई पास झारखंड .nic.in, इसी वेबसाइट को दोस्तों हमें ओपन करना है। लॉगिन में दोस्तों हम उस मोबाइल नंबर को भरेंगे जिसे हमने रजिस्टर्ड किया है, और जो पासवर्ड हमारी है उस पासवर्ड को फिल करेंगे। इसके बाद हमें सिक्योरिटी कैप्चा को फिल करना है और हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे अपनी ई पास के स्टेटस या फिर ई पास को डाउनलोड करने के लिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो पाने के लिए आप सभी को न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम आगे की इंटरफेस को जानेंगे। जब दोस्तों हम सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड, इसके बाद हमें लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे दोस्तों, तो ई पास की डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का होगा। हमें स्टेटस या फिर ई पास डाउनलोड करने के लिए ई पास में क्लिक करना है। स्टेटस जानने के लिए दोस्तों हम व्यू ई पास से जान सकते हैं स्टेटस। इसकी मदद से दोस्तों हम पूरी स्टेटस को जान सकते हैं। व्यू पे हमें क्लिक करना होगा हमारी ई पास पास हुई या फिर पेंडिंग है इसे जानने के लिए। स्टेटस में दोस्तों आप देख पाएंगे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट आईसी, मतलब कि इस पास को जो हमने अभी री इशू किया है ये अप्रूव नहीं हुई है। जब तक दोस्तों ये अप्रूव नहीं होगी, तब तक हम इस ई पास को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और जब भी दोस्तों हमें डाउनलोड करनी हो, अब दोस्तों जब हमें डाउनलोड करनी हो ई पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें दोस्तों ई पास पे क्लिक करना है। और आप नीचे के ऑप्शन देख पा रहे होंगे डाउनलोड ई पास, इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक करना है। अब हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे व्यू एक्शन के अंदर ये ऑप्शन है, आप व्यू पे क्लिक करेंगे अपनी ई पास डाउनलोड करने की। तो यही वो ई पास रही जिसे हमें डाउनलोड करनी है, या फिर इसकी हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के लिए दोस्तों हमें सिंपली कंट्रोल पी कर देना है और प्रिंटर की मदद से हम इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से हमें ई पास की स्टेटस जाननी है या फिर इसे डाउनलोड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।